हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम के रिजल्ट के बारे में। यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, जो नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से आपको गूगल पर मिल जाएगी। यूपी एनएचएम से जितने भी अपडेट आते हैं आपको इसी साइट पर देखने को मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा और काफी सारी लिस्ट आ चुकी हैं, लेकिन कई सारे कैंडिडेट का वहां पर नाम नहीं है। तो पहले यहाँ पर क्लियर ये कर लेते हैं कि कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीएचओ का पेपर नहीं दिया और वह अपना नाम वहां पर खोज रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जिस पर आपने पेपर नहीं दिया वहां पर आपका नाम मिल जाएगा। तो आप गलत लिस्ट पर आप अपना नाम खोज रहे हैं, इसलिए नाम आपको नहीं मिल पा रहा है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, जब आप जिस चीज का पेपर दिए हो उस चीज की जो लिस्ट आई हो तो उस पर आप नाम सर्च कीजिए। और रही बात कि यदि आपके नंबर कम है, पेपर निकल पाया है नहीं निकल पाया, कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका नाम आएगा चाहे आप फेल हों या पास हो, कितने भी नंबर हो आपके, ये यहाँ पर मैटर नहीं करता। आपका लिस्ट में नाम दिया जाएगा, भले ही उसके सामने चाहे फेल लिखा हो, लेकिन आपको नाम वहां पर देखने को अपना मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम रिजल्ट की बात करने वाले थे कि रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। तो देखिए, आयोग की तरफ से भी कोई फुल इन फाइनल अपडेट नहीं आ रहा है। जब भी बात की जाती है तो उनकी तरफ से यही एक अपडेट मिलता है कि जल्द ही जारी हो जाएगा, बहुत जल्द ही पोर्टल पर आप सबका रिजल्ट यूपीएनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से सारे अभ्यर्थी चेक कर सकते हैं आपका अपना रिजल्ट। लेकिन ये कहते कहते 5-6 महीने से ऊपर हो गया, अभी भी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके कह रहे हैं कि सर, इसकी क्लियर जो अपडेट है हमें दीजिए, कब तक रिजल्ट आएगा, आएगा या नहीं आएगा। काफी सारा वेट करने के बाद भी यहाँ पर अभी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, कोई अपडेट नहीं है। पहले पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि सीएचओ की एक लिस्ट जारी हुई थी, इसके बाद से कोई अपडेट नहीं आया। तब से आज मैं आपके सामने फिर से लाइव यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और हम लोग चेक करने वाले हैं कि कोई नोटिफिकेशन अपडेट हुई है या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेशनल हेल्थ मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। जब आप यूपीएनएचएम सर्च करेंगे तो कई सारी वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगी गूगल पर, लेकिन आपको इस तरीके की ये जो वेबसाइट दिख रही है नेशनल हेल्थ मिशन, इस वेबसाइट पर आकर विजिट करनी है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको स्क्रॉल करना है और इस जगह आपको देखने को मिलेगा अपडेट, तो यहाँ आपको व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं एक नई नोटिफिकेशन या एक न्यू नोटिस कह सकते हैं, यहां पर न्यू नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है। अब ये नोटिफिकेशन क्या है, किन कैंडिडेट के लिए है, क्या इस पे कुछ रिजल्ट से संबंधित जानकारी है या अदर इसमें जानकारी दी गई है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इस नोटिफिकेशन को आप कैसे अपने फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप पर डाउनलोड कर सकते हैं और इसे किस साइट से निकाल कर आप इसे अपना डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट के आने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। लैपटॉप होगा तो ये डायरेक्ट ही खुल जाएगी और फोन पर यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मांगता है। तो यहाँ पर एक लिस्ट जारी हुई है, कुछ नाम दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, प्रोग्राम नेम दिए गए हैं, ठीक है। तो ये एक लिस्ट जारी हुई है। तो सभी कैंडिडेट को पहले करना क्या है, आपको यूपीएनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। वहां पर जैसे ही आप विजिट करेंगे आपको आना है स्क्रॉल करके अपडेट वाले सेक्शन पर, उस पर आपको क्लिक करना है व्यू ऑल पर। व्यू ऑल पर अब जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा जिसका नाम है अपडेट। अपडेट वाले सेक्शन पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए पहले इस लिस्ट को देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर आयोग हमेशा अपने नोटिस के थ्रू बताता रहता है कि ये जो यूपीएनएचएम की भर्ती निकली थी 17,000 पदों पर, इसे रद्द करने का भी उनके पास एक अथॉरिटी है। वो चाहे इसे कभी भी रद्द कर सकते हैं। फिलहाल इस नोटिफिकेशन पर इतना ही बताया गया है कि ये जो विज्ञापन जो जारी हुआ था इसे वापस ले लिया गया है। और इस नोटिफिकेशन को आप फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, लैपटॉप पर भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। ये पीडीएफ फॉर्म पर डाउनलोड हो जाएगा। रिजल्ट से संबंधित जितनी भी जानकारियां आएंगी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और जो भी यूपीएनएचएम के जो भी अभ्यर्थी थे उन्हें ये जानकारी मिल सके कि एक न्यू नोटिफिकेशन यूपीएनएचएम की वेबसाइट पर अपडेट हो चुकी है, और वह अपने फोन से या लैपटॉप से जल्द चेक कर सकें। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और जैसे ही आयोग की तरफ से कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन या रिजल्ट जारी होता है, कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी जानकारी उनकी तरफ से हमें मिलती है, तो हम आपको वीडियो बनाकर इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।